हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे लाभ हानि का पार्ट है टू मैथ्स में, और रीजनिंग में पढ़ेंगे घड़ी के बारे में। आज वीडियो डाल दिया, आप जरूर देखें। साथ साथ में मैथ्स भी चलेगी, साथ साथ में रीजनिंग भी चल रही है। घड़ी के दो टॉपिक दो पार्ट हो गए, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट डालेंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत अच्छे से बताया गया है। अब देखते हैं अपन लाभ हानि का नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट एक तो डाल दिया था, 30% 20% के क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। 20% 30% 20% के क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तीस परसेंट 20% के क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। अगर अपन 100 के ऊपर 30% निकालेंगे तो कहां पहुंचे? 70 पर। 100 का 30% क्या होता है? 70। और 70 पर क्या बोला गया है? 20% है। 70 का 20% कितना होता है? 70 का अगर दो किन्हीं दो संख्याओं के आप परसेंटेज, जैसे 70 का 20% निकाल रहे हो, आपको जल्दी से निकालने के लिए क्या करोगे? सीधा इनको इनसे गुणा कर दो। जब दो बिंदी हो, दोनों के पास दो शून्य हो, तो ये दोनों शून्य आपसी में कैंसिल हो जाते हैं। देखो कैसे, जैसे निकालोगे 70 का 20% तो 70 गुणा 20 अपॉन में 100। 70 का 20% निकालना है तो 70 × 20 अपॉन में 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य तो 7 × 14, तो 70 का 20% क्या होगा? 14। 70 का 20% क्या होगा? 14। आप सीधा निकाल सकते हो मल्टीप्लाई कर कर, तो ये क्या हो गया? 30 प्लस का 14 हो गया क्या? 44। तो 30% 20% के क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा? इन दोनों को जोड़ देते हैं, 30 प्लस का 14। 100 का 30% निकाला तो 70, और 70 का 14 निकाला, 70 का 20 निकाला तो कहां पहुंचे? 14 पर है। तो 30 प्लस का 14 किसके बराबर है? 44 के बराबर है, 44%। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सा क्रमिक बट्टा का क्वेश्चन क्या है? 120 वस्तु के बेचने पर 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत है ज्ञात कीजिए। 120 वस्तु अगर बेचेंगे, अगर 120 वस्तु बेचेंगे तो 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 30 वस्तु को खरीदेंगे और 120 वस्तु को बेचेंगे तो 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो वस्तु क्रय मूल्य किसके बराबर लाभ हो रहा है? 30 के बराबर है। तो 30 × 100 अपॉन में कितनी वस्तु बेच रहे हैं उसका भाग लगा, तो 120 वस्तु बेच रहे हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, तो ये हो गया 300 अपॉन में 12, 2 5, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 25% का। कितना? 25% का। लिख लो क्वेश्चन को। 300 वस्तु के बेचने पर 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हानि का प्रतिशत है ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्या बोला गया है कि 300 वस्तु के बेचने पर 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत है ज्ञात कीजिए। कितनी वस्तु? 60 वस्तु। 60 × 100 कितनी वस्तु बेचेंगे? 300। कितनी? 300। अगर क्वेश्चन में हानि हो रही है, अगर क्वेश्चन में हानि हो रही है कितने की? ये 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो ये 300 में 60 और जोड़ देंगे, 300 में 60 है और जोड़ देंगे, तो इसको सरल करोगे तो 60 × 100 अपॉन में 300, 60 इसको इससे कैंसिल किया तो 100 अपॉन में 6, 2 से कैंसिल किया तो 50 अपॉन में 3, और 50/3 को लिखा जाता है 16 सही 2/3, 50/3 को लिखा जाता है 16 सही 2/3। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 रुपए में 24 टॉफी खरीदी तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि 20% है लाभ करना है? कितने का? 20 का। अगर 100 के ऊपर 20 का लाभ तो कहां पहुंचे? 120 पर, 120
20 पर, और टॉफी कितनी खरीदी थी 1 रुपए में, 24। तो क्या करेंगे, 24 गुणा 100 अपॉन में 120, कहाँ पहुंचे थे 100 पर 20 का लाभ, तो 120 पर इसको सरल करोगे तो 20, अगर 1 रुपए में 20 टॉफी बेचेंगे तो क्या होगा, 20% का लाभ होगा, और खरीदी कितनी थी 24। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि ने एक कार 20,000 में खरीदी तथा 20% लाभ पर बी को बेच दी। रवि ने एक कार कितने में खरीदी, 20,000 में, कितने में खरीदी, 20,000 में। रवि ने एक कार 20,000 में खरीदी तथा बी को 20% लाभ पर बेच दी। अगर बी ने 20% लाभ पर बेच दी तो कितना हुआ, 120। आगे क्या बोला गया, बी को बेच दी और तो बी ने उसे 10% हानि पर सी को दे दी, और बी ने उसे 10% हानि पर किसको दे दी, सी को दे दी। 10% की हानि तो कहां पहुंचे, 90 पर। ए ने 20% लाभ पर बेचा तो 120, अगर बी ने उसे 10% हानि पर बेचा, बी ने उसे 10% हानि पर बेचा तो कहां पहुंचे, 90 पर। ठीक है, ए ने भी बेच दी 20% लाभ पर और बी ने आगे बेचा 10% हानि कर, तो फिर सी ने कार उसे कितने में खरीदी होगी, उसी कार को फिर सी ने कितने में खरीदी होगी। अगर बी ने बेच दिया 20% लाभ पर और सी ने बेच दिया 10% हानि पर, तो जितने पैसे आगे बचते हैं उसी पैसे से सी ने कार खरीदा होगा। चलो इसको परसेंटेज दोनों को हल कर लेते हैं, तो 20,000 होगा 20,000 में, क्या 20,000 में खरीदा था स्टार्टिंग में, क्या बोला गया कि 20,000 में खरीदा और 120 20% लाभ पर बेच दिया, तो गुणा 120 अपॉन में 100 लाभ पर बेचा गया, गुणा आगे 10% हानि पर बेच रहा है तो हानि करेंगे, जब जब 100 का भाग लगेगा 90 ऊपर आएंगे तभी तो हानि हो रही है, ज्यादा का भाग लग रहा है नहीं, और ये लाभ हो रहा है 120 ऊपर है 100 नीचे है, लाभ हो रहा है तभी तो ऊपर लेके है इसको। ठीक है, इनको हल कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 24 240 गुणा 9, तो इनको गुणा करेंगे तो 36, 18, 21, 21,600, 21,600 में खरीदा होगा। अगर बी ए ने 20% लाभ पर बेचा तो 120 का लाभ, 20,000 के ऊपर 120 का लाभ, 20% का लाभ, और उसी ने जस्ट ही 10% आने पर बेच दिया तो 90 अपॉन में 100, इसको हल किया तो 21,600, तो सी ने कितने में खरीदी होगी, 21,600 में। बी और ए ने दोनों ने बेचने के बाद सी ने खरीदा होगा तो दोनों को दोनों के बाद क्या रुपए आए, 21,600, तो इसी में सी ने खरीदा होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि ने 2 घड़ी 840 रुपए में खरीदी, पहली घड़ी को बेचने पर 20% लाभ। रवि ने 2 घड़ी 840 रुपए में खरीदी, ये नहीं बताया कि कौन सी घड़ी कितने रुपए में खरीदी, अलग अलग 2 घड़ियों का रेट है 840 रुपए। तब पहली घड़ी को बेचने पर, अगर पहली घड़ी को बेचा तो 12% का लाभ तथा दूसरी घड़ी को बेचने पर 16% की हानि हुई, दूसरी घड़ी को बेचा तो 16% की हानि, वह पूरे व्यापार में नए लाभ नए हानि, पूरा व्यापार किया दोनों को बेचा खरीदा तो नए लाभ हुआ और नए हानि हुई, तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ पर, यह वस्तु लाभ पर, पहली घड़ी लाभ पर बेची थी तो अगर लाभ पर बेची तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा वो ज्ञात करना है, ये नहीं ज्ञात करना है कि कितनी हानि और कितना लाभ हुआ, वो एक का ज्ञात करना है, इसमें न तो लाभ होता है और न हानि होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए अपन मिश्रण का नियम लगाते हैं, नए लाभ और नए हानि के क्वेश्चन में अपन मिश्रण का नियम लगाते हैं, वो देखो किस प्रकार। अगर 12% लाभ पर बेची तो कहां पहुंचे, 112 पर। अगर 16% हानि पर बेची, दूसरी घड़ी को 16% हानि पर बेची तो कहां पहुंचे, 84 पर। दूसरी घड़ी को 16% हानि पर बेची तो कहां पहुंचे, 84 पर। आगे क्या बोला गया, मिश्रण का नियम लगाएंगे तो दोनों का औसतन क्या था, 100 पर, 100 पर ही तो बढ़ाया गया था और 100 पर ही हानि की गई थी, तो इसमें मिश्रण का नियम लगा देते हैं। मिश्रण का नियम क्या बोलता है, बीच वाली वैल्यू से एक वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए और एक है छोटी, तभी मिश्रण का नियम है लगता है, इसमें लागू होता है, एक वैल्यू बड़ी है और एक वैल्यू इससे छोटी है, तो ये माइनस 100 करो, 100 माइनस 84 करोगे तो 16 और ये करोगे तो 12, 4 से काट दो 3, 4 अनुपात है 3,
ये क्या आ गया 4:3, इसमें न लाभ न हानि। अगर दोनों को जोड़ा तो कितना बना 7 है, 4 + 3 कितना 7 है। इन दोनों का योग किसके बराबर है, दोनों घड़ियों के रुपए के बराबर। दोनों घड़ियों के कितने रुपए थे 840। इस प्रकार के क्वेश्चन में मिश्र पहले बढ़ा दिया फिर घटा दिया, मिश्रण का नियम लगा दिया, इन दोनों को जोड़ के दोनों घड़ियों का रेट दिया उस रेट के बराबर लगा देते हैं। अगर 7 8 840 के तो एक अकेला एक कितने का 12, 87 84 तो 120 का, 84 में 7 का भाग दोगे तो 12 शून्य का शून्य, तो ए बराबर कितना आ गया 1200। लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया तो 4 से गुणा कर दो तो 120 × 4 12 × 48 480। तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या था 480। अगर इसका भी पूछे तो क्या करोगे 120 × 3 भारतीय 36 360, इसका क्या हो जाएगा 360, इसका 480। मिश्रण का नियम लगाते हैं नए लाभ और नए आने वाले क्वेश्चन में, एलिकेशन का नियम लगाकर दोनों को जोड़ के रेट के बराबर लगा देते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन को, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ने 2 मकान 20,000 रुपए प्रति मकान की दर से खरीदे। कितने हजार रुपए 20,000 रुपए प्रति मकान की दर से खरीदे। एक मकान के 20,000 रुपए, 2 मकान खरीदे तो कितने हजार रुपए 40,000 रुपए। तथा बेचने पर पहले मकान पर 20% लाभ, अगर पहले मकान को बेचा तो कितने परसेंट का लाभ है 20 का लाभ। आगे क्या बोला गया, दूसरे पर 20 की हानि, दूसरे मकान को बेचा तो कितना कितनी हानि हुई 20% की हानि, तो कहां पहुंचे 80 पर। तो पूरे व्यापार में लाभ व हानि होगी, पूरे व्यापार में यह पूछा गया है कि लाभ होगा या हानि होगी। दो मकान कितने में खरीदे थे 20,000 में, प्रति मकान की दर से खरीदे थे 20,000, 20,000 पर 20% का लाभ तो गुणा करेंगे 120 से, लाभ लेना है तो ज्यादा संख्या ऊपर रखेंगे और कम संख्या नीचे रखेंगे। अगर 100 पर 120 का लाभ तो 120 से गुणा करेंगे, लाभ लेके आना है तो ज्यादा से गुणा होगा तभी तो लाभ आएगा। 12 × 24 कितना आया 24,000। आगे देखते हैं 80 पर, बस ये भी कितने की थी 20,000 रुपए प्रति मकान का था नहीं, तो 20,000 पर 20 की हानि, तो कहां पहुंचे थे 80 पर अपॉन में 100, 8 × 16 तो ये कितना आया 16,000। कितना 16,000, ये लाभ पर बेचा तो कितने पर बेचा 20,000 में, अगर 20% हानि पर बेचा तो कितने में बेचा 16,000 में, अगर दोनों को जोड़ा तो कितना 40,000, दोनों को जोड़ा तो 40,000, और मकान खरीदे कितने में थे 40,000 में, 20,000 का एक था, अगर दो मकान खरीदेंगे तो कितने हजार रुपए 40, और बेचा भी कितने में 40 में, तो नो लाभ और नो हानि, कोई तो ना तो लाभ और ना हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ हानि प्रतिशत में बताना है, लाभ होगा या हानि होगी वो भी प्रतिशत में बताना है। करो, देखो क्वेश्चन को, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, क्या बोला गया है विक्रय मूल्य का 95% है। अगर विक्रय मूल्य 100 होगा तो क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य का 95% है मतलब 5 कम है तो कितने का 95 का। क्रय मूल्य अगर 95 है तो विक्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य का दिया गया तो विक्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य कितना है 95, क्रय मूल्य कितना है 95। तो लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, 95 रुपए में खरीदा और 100 में बेच रहे हो तो कितने का लाभ है 5 का, कितने पर है 95 पर, लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर, लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर, 5 का लाभ 95 पर गुणा 100 गुणी पर 95 100 अपॉन में 19, अगर 100 अपॉन में 19, 100 अपॉन 19 को लिखा जाता है 5 सही 5 / 9 जोड़ोगे तो 100,
1995 सौ, 19 सौ कौन 19 को लिखा जाता है, 5 से 5 बटा 9। चलो देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन, लाभ हो रहा है नहीं? क्वेश्चन क्या है, यदि वस्तु 50% बढ़ाकर अंकित किया गया है, यदि एक वस्तु पर है, यदि एक वस्तु पर है 50% बढ़ाकर अंकित किया जाता है तथा उस पर 20% बटा दिया जाता है, 20% 50% बढ़ाकर अंकित किया तो कहां पहुंचे, 150 रुपए लिख दिया गया, और फिर ग्राहक आएगा तो अपन क्या बोलेंगे कि 20% की छूट दे देंगे, 20% की छूट, 20% की छूट तो कहां पहुंचे 80 पर, कहां 80 पर। वस्तु कितने की, 840 में बेच रहे हैं, कितने में 840 गुणा 100 अपॉन में 150 अंकित किया था नहीं, गुणा 100 अपॉन में 80, ये बढ़ाना और घटाना दोनों जो भी परिवर्तन किया वो बाद में लगा देंगे, 840 अपॉन में 15 गुणा 8, तो इसको सरल करोगे तो 800 ये आ गया, 15 8 5 40 है और 12 ये हो गया 120, 1 शून्य से 12 84, तो क्या बचा 700, क्या बचा तो उसका लागत मूल्य क्या था 700। अगर वस्तु को बढ़ाकर 150 पर ले गए और फिर उस पर 20% का छूट देगी तो 80 पर पहुंचे, 840 की वस्तु थी, 840 का 150 और 80 निकाला तो 700 रुपये, तो उसका लागत मूल्य क्या था 700 रुपये। चलो देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या है, 36 किताबों का लागत मूल्य, 36 है किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 में खरीदा 36 में बेच रहे हैं, 30 में 30 किताबों के लागत मूल्य खरीद रहे हैं और 36 में बेच रहे हैं, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 30 में खरीद रहे हैं 36 में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का 6 का, कितने पर, क्रय मूल्य पर 30 पर गुणा 100, तो 20% का लाभ, कितने का लाभ है 20% का लाभ। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्वेश्चन को लिख लो, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या करना है, किसी वस्तु पर 15% की हानि तो कहां पहुंचे 85 पर, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, खरीदा कितने में 100 में, बेच कितने में 85 में, तो उसकी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या करना है, कुछ दिए नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, 20 5 100 17 5 85, तो 20:17, 20:17 सीधा आ जाएगा। चलो क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन क्या है, एक टीवी की कीमत 2300 रुपये है और उन पर 25% बट्टा, 2300 रुपये की कोई टीवी है उस पर 25% की भी छूट दी जा रही है और 10% की भी छूट दी जा रही है, तो विक्रय मूल्य उसे 25% की छूट करके और 10% की छूट कर देंगे तो कितने में बेचेंगे, अगर 25% की छूट तो कहां पहुंचे 75 पर, अगर 100 पर 25% की छूट तो कहां पहुंचे 75 पर, और 100 पर कितने की छूट है 10 की छूट तो कहां पहुंचे 90 पर, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, विक्रय मूल्य क्या होगा, 25% की छूट कर देंगे 10% की छूट कर देंगे तो इसे कितने में बेचेंगे, वस्तु कितने की थी 2300 रुपये गुणा 2300 गुणा ऊपर किसको रखेंगे 75 को, पिछला क्वेश्चन किया था ना, इस प्रकार के क्वेश्चन में छूट और दोनों को
ये ऊपर रखेंगे अपॉन में 100 गुणा 90 अपॉन में 100 45 का 5 63 अरे 67 गुणा 23 अपॉन में 10। तो 23 को 675 से गुणा करोगे तो 15 और 5 2 5 और अपॉन में क्या है 10। तो एक आंख छोड़ के पॉइंट, एक आंख छोड़ के पॉइंट। अगर 20% की छूट देंगे, अगर 10% की छूट देंगे तो उसे बेचेंगे 10-25% की छूट देंगे और 10% की छूट देंगे तो अपन उसे 15 में बेच देंगे। पॉइंट है 5.5 है ये, अपॉन में 10 था नहीं इसलिए रुपए में। चलो ठीक है दोस्तों, कल अपन लेके आते हैं उस लाभ और हानि का पार्ट 3 के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक आप वीडियो को जरूर देखें और साथ साथ में आप रीजनिंग का वीडियो भी देखते रहें। घड़ी चल रही है, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को लिख लो।